जीपीएट एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड शर्मा एकेडमी, दिस इज हिमांशु। आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि सर जीपीएट एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है। जैसे कि आप जानते हैं 2022 का एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी डिले चल रहा है। अब इतने कम समय में किस हिसाब से हम प्लानिंग करें कि सर जीपीएट एग्जामिनेशन क्रैक कर पाए। देखिए, जो स्टूडेंट एक्चुअली जीपीएट क्वालिफाई करना चाहते हैं वो स्टूडेंट तो कम से कम 4 से 5 महीने पहले लग चुका है अपने तैयारी में। उसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी लगता है कि सर नहीं, मुझे भी एग्जामिनेशन क्लियर करना है, अभी तक तो एग्जामिनेशन डेट भी नहीं आई है, क्या ऐसी प्लानिंग से हम चलें कि हम जीपीएट क्वालिफाई कर पाए। देखिए, एक सही और सटीक में अगर बात खोलूंगा कि अगर टॉपर से भी आप पूछेंगे तो वो भी सारा का सारा सिलेबस जो है वो कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीपीएट का सिलेबस ही इतना बड़ा है। तो क्यों ना हम एक राइट स्ट्रेटजी से पढ़ें, एक प्लानिंग से पढ़ें कि किस हिसाब से सर एग्जामिनेशन में पैटर्न में एग्जामिनेशन क्वेश्चन आते हैं, और सही तरीके से पढ़ने से हम ज्यादा नंबर ला सकते हैं और एटलीस्ट क्वालिफाई तो हो ही जाएंगे। देखिए, जिनको टॉप करना है वो तो कब से पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट एक ओवरव्यू आज इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आप क्वालिफाई कर पाएंगे जीपीएट एग्जामिनेशन को। तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा स्टूडेंट को कि सबसे पहले तो आप प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो देख लीजिए। कोई भी नेट पे गूगल पे आप जस्ट डालेंगे, सारे के सारे पेपर जो है वो आपको मिल जाएंगे। अब इन पेपर में और पैटर्न में एग्जामिनेशन पैटर्न, सेकंड चीज आती है कि सर इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो कैसा रहता है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो 2012 के बाद, मतलब 13-14 के बाद जो है एक परफेक्टली एग्जामिनेशन पैटर्न आता है, जिसमें कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड पे होता है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो फार्मा केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो कितने आते हैं, उस हिसाब से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ओवरऑल जो है आपके 125 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन का मार्क जो आपका 4 होता है, तो इस हिसाब से मार्क जो है ओवरऑल आपके 500 आ गए। अब ये बात आती है कि अगर टॉप की मैं बात करूं कि सर जीपीएट टॉप कौन करता है, टॉप 10 स्टूडेंट की मैं बात करूं तो 300 नंबर से लेकर 325 तक, हाईएस्ट से हाईएस्ट मैं बता रहा हूं, 300 से लेकर 325 तक टॉपर जो है वो रैंक लाते हैं। इसका मतलब इतनी कम ही, मतलब टॉप करने वाला भी 500 में से 300 या 325 नंबर ला रहा है, तो किस हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन के लिए कितने नंबर लाने। अब बात करते हैं कि सर इसकी कट ऑफ यूजुअली कितनी जाती है। तो इस साल, मतलब पिछले साल 2021 में लगभग 180 गई थी, और स्टार्टिंग की मैं अगर बात करूं, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, तो 125 नंबर अगर आप ला लेते हैं तो आप जीपीएट क्वालिफाई कर पाते हैं। वो डिपेंड करता है एग्जामिनेशन के टफ लेवल पे। कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है वो आपको पता ही है कि एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है वो अगर टफ आता है तो कट ऑफ जो है उस हिसाब से डिसाइड रहती है। तो अगर मोटे तौर पे मैं बात करूं, तो अगर मैं ज्यादा संख्या लेके ही चलूं तो 180 नंबर जो है वो आपको लाने हैं, ये मान के चलिए। और 180 नंबर लाने के लिए आपके को कितने क्वेश्चन करेक्ट करने हैं कि सर ओनली फॉर 45 क्वेश्चन, मतलब कि अगर मैं बात करूं मोटे तौर पे 35 से लेकर 45 क्वेश्चन जो है वो आपको करेक्ट करने हैं। इसमें एक्यूरेसी 100% मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है, एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक नंबर माइनस हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं बताऊं तो 125 में से 45 नंबर ही तो आपको लाना है, 45 क्वेश्चन ही तो सही करना है। तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी बनाए सर कि 45 नंबर अप्रोक्सीमेटली मैं मान लूं तो 50 क्वेश्चन जो है आपको सही करने हैं। अब ये डिसाइड करना है आपको कि क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, इस हिसाब से अप्रोक्सीमेटली आप 50 से 60 क्वेश्चन जो है अबाउट आप करेक्ट कर पाए। तो सबसे पहले कि सर एग्जामिनेशन पैटर्न की मैं अगर बात करूं, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, सर फार्मा केमिस्ट्री है, जिसमें कि आपकी एनालिसिस आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारी मेडिसिनल केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो उसके आपके 38 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसका वेटेज कितना रहेगा, 152। अब मैं बात करूं फार्मास्यूटिक्स की तो इसके भी 38 152। फार्माकोग्नोसी 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 40 वेटेज हो गया। कोलोजी की मैं बात करूं तो 28 112 इसका वेटेज रहेगा। और लास्ट में अदर बोले तो, जिसमें कि आपकी जूरिसप्रूडेंस भी आ गई और सारे अदर क्वेश्चन जो है वो आपके लगभग 11 क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पे अगर सिंपल सी मैं कैलकुलेशन लगाऊं कि सर अगर मैं 2 सब्जेक्ट को अच्छे से कर पाता हूं, ये 2 सब्जेक्ट बहुत बड़े सब्जेक्ट सिलेबस जो है वो कवर कर पाते हैं, कि अगर सर मैं 2 सब्जेक्ट को भी मैं कवर कर लूं तो 38 कितने हुए, 76, मतलब
कि 76 में नंबर 6 अगर एक्यूरेट कर पाएंगे आप तो आप तो एक टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे। बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है क्योंकि 38 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आप इसमें से 20 क्वेश्चन भी सही कर पाएंगे, 25 भी कर पाएंगे तो भी ये बहुत बड़ी बात है। तो 25-25 इसमें से हो गए आपके, हो गए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 हो गए आप क्वालिफाई। अगर सर मुझे तो केमिस्ट्री में कुछ समझ में नहीं आता, इस सब्जेक्ट को साइड में रखिए, तो ठीक है जी आप कोई दो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सर मैं फार्मास्यूटिक्स मेरे को ठीक आ जाता है, सर मेरे को कोलोजी सही आ जाता है और 10 नंबर के मेरे को कोग्नोसी में सर कुछ याद रखना होता नहीं, यूजुअली इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है वो मैं याद रख लूंगा और इसका यूज है उस हिसाब से मैं याद रख लूंगा, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो जीपेट में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जब हमने जीपेट क्वालिफाई किया, मैंने 2015 में जीपेट क्वालिफाई किया तो हमारे पास, हम भी ऐसे ही पढ़ रहे थे, जो मिल गया वो पढ़ लिया, तो इस हिसाब से एक राइट स्ट्रेटजी नहीं बोल सकते इसको। तो इस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अगर आप सेलेक्ट कर लें कि दो सब्जेक्ट के बारे में कि इस हिसाब से, और अदर में कुछ ना कुछ एक आधा क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाता है या सही भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो माइट बी पॉसिबल आपका जीपेट जो है वो क्वालिफाई हो जाए। तो इस हिसाब से, इस प्लानिंग से अगर आप पढ़ेंगे तो माइट बी पॉसिबल आप जो है वो 35 से 45 क्वेश्चन जो है वो सही कर पाएंगे। हमारे दिमाग में अब यही रखना है कि सर मुझे 45 से लेकर 50 क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेट करने ही करने हैं, अदरवाइज आपका जीपेट क्वालिफाई नहीं होगा। अब बात आती है, देखिए जीपीट एग्जामिनेशन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है आपके वो ज्यादा रहते हैं, कंसेप्ट आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, देखिए ये है एक कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम में आपके कंसेप्ट अगर कभी आप इस एग्जाम को जो है अच्छे से पास कर पाएंगे। अब इस वीडियो को मैं समराइज करूंगा, देखिए सबसे पहले एक और सवाल होता है स्टूडेंट के, अक्सर कौन सी बुक से मैं पढ़ूं, तो देखिए बहुत सारी ऐसी बुक आती है जिसमें कि कंप्लीट आपको पैकेज दे रखा है कि भाई ये जीपेट के लिए, ये जीपेट के लिए। मेरे हिसाब से ये सारी बुकें जो है वो ठीक है, पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेरे हिसाब से मैं आपको सजेशन करना चाहूँगा कि आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, सब्जेक्ट के बाद आप टॉपिक सेलेक्ट करें सिलेबस वाइज, और उस टॉपिक को एक अच्छी बुक से कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को जरूर कर पाएं। ऐसा मेरा सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा है। अब समराइज करते हैं इस वीडियो को, देखिए सबसे पहले आपको क्या बताया कि लास्ट प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है कि एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना है और कौन सा सब्जेक्ट आपको सही लग रहा है वो सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट कर लीजिए। अप्रोक्सीमेटली लेके चलिए मुझे 50 से लेकर 60 क्वेश्चन जो है वो सही करने हैं, ज्यादा नहीं करने, मुझे तो 50 से 60 ही करने हैं, क्वालिफिकेशन करना है मुझे, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सूटेबिलिटी है। उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद उस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए जीपेट एग्जामिनेशन जो है जैसे कि आप जानते हैं एनटीए कंडक्ट करवाता है, 2018 से पहले एआईसीटी कंडक्ट करवाती थी। जीपेट आप क्वालिफाई कर लाते हैं तो आपको 12,400 रुपये हर महीने जो है स्टाइपेंड मिलता है। जी हाँ बिल्कुल मिलता है, मुझे भी मिलता, और वो मुझे भी मिलता था तो बिल्कुल डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। अब काफ़ी स्टूडेंट का सवाल होता है इस कैटेगरी से हूँ मैं, इस कैटेगरी से हूँ, कोई भी कैटेगरी हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, आप अगर जीपेट क्वालिफाई हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती ही मिलती है। चलिए तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल रिलेटेड न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लाइक्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।